हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऋषभ, 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 खोलो, ऋषभ, बच्चा, वो बच्चा छोटा सा, ऋषभ, देखो, हाँ? चार गुंडे आए और उठाकर लेकर चले गए। कहाँ? मैंने रुकने की कोशिश की, सर, मुझे मारकर चले गए। गाड़ी का नंबर देखा तुम? जी नहीं सर। कौन सी गाड़ी थी? काले कलर की बड़ी जीप थी सर। एक काम करो, अंदर जाओ, देखो प्रिंसिपल और स्टाफ सब ठीक है क्या, और क्लासरूम में जितने बच्चे सबको बाहर निकालो जल्दी। अभिजीत, हाँ, वो गुंडे ऋषभ को किडनैप करके ले गए। बड़ी गाड़ी थी, बड़ी एसयूवी शायद, काले रंग की, और मेरे कंधे पे गोली लगी है, जल्दी आ। दे, हम लोग पहुंच रहे हैं। दे, अभिजीत, क्या हुआ? देखो क्या हुआ सर, गोली चली है। गोली? माय गॉड, जल्दी चलो फिर, जल्दी। सर, कुछ गुंडे स्कूल में घुस आए, लगता है दया को गोली मारी है उन्होंने। दे, 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 देखो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, आप घबराओ मत, हम लोग हैं। आंखें खोलो दया, दे, बोलो दया। पंकज, एम्बुलेंस आने में कितनी देर है? सर, मैंने फोन कर दिया सर, कभी भी आती होगी। खून, खून, खून बहुत निकल रहा है सर। विशाल, विशाल, वो लोग उसे ले गए। दया, तुम बोलो मत, मत बोलो, हम संभाल लेंगे। अरे जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। आंखें बंद होने मत दो दया, आंखें खुली रखो। होश मत खोना दया, होश मत खोना। चलो जल्दी जल्दी, हटिए प्लीज, हटिए, हटिए, चलो चलो चलो, आप लोग प्लीज यही रुक जाइए। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। क्या हम दया से मिल सकते हैं? श्योर। थैंक यू। क्या यार, तुमने तो डरा दिया हम लोगों को। क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं गया? तुम लोग इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। सर, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है सर, मुझे आपसे बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए। आप जल्दी से ठीक हो जाइए सर, पंकज की जेब खाली करानी है, इससे बड़ी पार्टी लेंगे हम। ऋषभ को कुछ
पता चला सर? तुम ऋषभ की चिंता मत करो, अरे हम लोग हैं ना। ऋषभ को हम लोग कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे। दया, दया, हम आकाश पाताल एक करेंगे, लेकिन ऋषभ को ढूंढ निकालेंगे और वो भी सही सलामत। उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बस तुम ठीक हो जाओ। अभिजीत, इस शेखर के बारे में दया का शक सही निकला। हाँ सर, दया पे गोली शायद शेखर ने ही चलाई। शेखर के बारे में कुछ पता चला? ज्यादा कुछ तो नहीं सर, लेकिन शेखर ने जो स्कूल वालों को इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल झूठी है सर। झूठी है? हाँ सर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, घर का पता सब कुछ नकली है सर। और ये सारे कागजात उसने 2 महीने पहले ही बनवाए। मतलब प्लानिंग 2 महीने से शुरू है। मगर सर, अब इस शेखर के बारे में जानकारी हम कैसे हासिल करें? इन टीचर से पूछते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। एक्सक्यूज मी सर, मुकुंद सर ठीक तो है ना? हाँ मुकुंद सर ठीक है। आई एम सॉरी सर, मैं उन पर गोली नहीं चलाना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। उन लोगों ने सबको मारने की धमकी दी थी। लेकिन सर, मुकुंद जी भी एक सीआईडी ऑफिसर ही है ना? हाँ हाँ, मुकुंद भी सीआईडी ऑफिसर है और हमने उन्हें स्कूल टीचर बनाकर भेजा। क्यों सर? ये पता लगाने के लिए कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। स्कूल में क्या हो रहा है सर? स्कूल में आपने तो देखा ही है क्या हो रहा है, और इस सब के पीछे है शेखर का हाथ। समझे? क्या शेखर? तो फिर आप लोग उसे पकड़ते क्यों नहीं? पकड़ेंगे हम उसे, जरूर पकड़ेंगे, लेकिन शेखर है कहाँ? सर जब से ये हादसा हुआ तब से वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। सर मैंने देखा। तुमने देखा है शेखर? जी सर। कहाँ पर? जब ये हमला हुआ शेखर सर दौड़ते हुए आए और अपने गाड़ी में बैठकर भाग गए। गाड़ी का नंबर क्या है? हेलो सर। अरे बच्चों, आप लोग अकेले यहाँ कैसे हैं? सर प्यून चाचा है ना, बाहर खड़े हैं। अब आप कैसे हैं सर? जैसे पहले था, फिट एंड फाइन। आपके मुकुंद सर को कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। हमें पता है सर, आप मुकुंद सर नहीं, आप सीआईडी ऑफिसर दया हो। हमें ये भी पता है कि आप हमारे स्कूल में अंडर कवर कॉप बन गए थे। अच्छा, अरे वाह बच्चों, आप लोग तो बहुत होशियार हो। ये क्या है? मैं आपके लिए। ये मेरे लिए? थैंक यू सो मच। दया अंकल, ऋषभ वापस आ जाएगा ना? हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत जल्द वापस आ जाएगा, हम उसे जल्द वापस ले आएंगे। एक्चुअली ऋषभ का बैड लक चल रहा है। 2 महीने पहले उसके दादाजी की डेथ हो गई, वो कितना बुरा हुआ ना उसके साथ, है ना? बड़ी अजीब बात है ना, 2 महीने पहले ऋषभ के दादाजी के देहांत हो गए और ठीक उसके बाद ये सब चक्कर शुरू हुआ है। सर मुझे तो लगता है स्कूल में ही कोई है जो ये सब कर रहा है। शेखर, शेखर ही है जो ये सब कर रहा है। उसी ने मुझ पे गोली चलाई पीछे से। हाँ सर, इसीलिए तभी से वो गायब है। अच्छा बच्चों, शेखर सर के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हो? स्कूल में किसी अजनबी से मिलता है वो, या फिर फोन पे कुछ बात करता है? कोई बात जो अजीब लगी हो, अटपटा सा लगा हो? ऐसे तो कुछ नहीं सुना सर शेखर सर से, पर हमारे स्कूल में एक टीचर है, वो राजा कानिया का नाम लेते हुए फोन पे बात कर रहे थे। राजा कानिया का नाम? आप जानते हो राजा कानिया कौन है? आजकल न्यूज में राजा कानिया के एक्सीडेंट के बारे में खबर आ रही है। अच्छा, कौन है वो टीचर जो इस राजा कानिया की बात कर रहा था फोन पे? सर उसे देखा तो नहीं, मैं बाहर खेल रहा था पर खिड़की से कुछ आवाज आई कि जल्दी से राजा कानिया के पास सारे पैसे पहुंचा दो। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने सीआईडी की मदद की, बहादुर बच्चे हो आप लोग। और चिंता मत करो, आपका ऋषभ बहुत जल्द वापस आ जाएगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप लोग अभी स्कूल जाओ। थैंक यू सो मच। बाय सर। थैंक यू। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? सर रेडी, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन ये लो तुम्हारे पूरे 1 करोड़। दादाजी
लारा बच्चे को ले आ। अंकल मुझे जाए दो। चल। अंकल प्लीज मुझे जाए दो। ये लो। जाए दो मुझे। पैसे के बदले जो तुमने मांगा। Well done. चल। छोड़ो मुझे। आजा। चलो। मौज करते। तुम्हें तो अस्पताल में होना चाहिए। आप मेरी फिक्र छोड़िए, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं ऋषभ के बारे में। ऋषभ क्या जानना चाहते हो? यही कि ऋषभ को किडनैप क्यों किया गया है? ऋषभ का कोई परिवार नहीं है, तो ऐसी क्या बात है ऋषभ में कि इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स उसके पीछे पड़ गए? हम ऋषभ के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तभी हम पता कर सकते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। आप चुप क्यों हैं? हाँ, एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है, आज मैं आपसे सच जानकर रहूंगा, बताइए। मैं मानता हूं कि मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई, लेकिन सच तो यह है कि ऋषभ के बैकग्राउंड के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि उसका असली नाम ऋषभ है भी या नहीं। क्या तो एडमिशन के वक्त आपने उसके पिछले स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मांगा या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा था? मांगना तो चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं मांगा। पर क्यों? एक दिन ऋषभ के दादाजी उसे लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि उनकी जान के पीछे कोई लोग पड़े हुए हैं और उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, और ये बात किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए कि ऋषभ जो उनका पोता है इस स्कूल में पढ़ता है, और उसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत तगड़ी रकम दी। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर हमें पहले पता होता कि किडनैपर्स की नजर ऋषभ पे है तो हम उसे बचा सकते थे। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि मैंने रिश्वत खाई है, और सच तो यह है कि मुझे भी पता नहीं था कि ऋषभ की जान को इतना बड़ा खतरा है। ऋषभ के दादाजी को मरे 2 महीने हो गए, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ तो बात है इस ऋषभ में जिसकी वजह से ये बदमाश लोग उसके बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर दया, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्रायश्चित के तौर पर मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, आप जो बोले वो। ऋषभ के दादाजी का कोई एड्रेस है आपके पास? शायद वहां जाकर ऋषभ की असलियत के बारे में पता चल जाए। हाँ, एक एड्रेस है जो ऋषभ के दादाजी ने मुझे दिया था। कहा था कि अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो उन्हें उसमें कॉन्टेक्ट किया जाए। तो एड्रेस होगी प्लीज, अब भी ढूंढता हूँ। गाड़ी का नंबर तो ही है जो उस वॉचमैन ने बताया था। गाड़ी आए तो फिर शेखर भी अंदर ही होगा। सर, मैं जरूर अंदर छुप कर बैठा होगा। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पूरा घर छान मारो, कुछ ना कुछ सुराग जरूर हाथ लगेगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ की किताब, न्यूक्लियर साइंस, इसका मतलब शेखर जरूर किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। सर। हाँ पूर्वी। सर ये देखिए, रिसर्च पेपर्स, मतलब जरूर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एक मिनट
My God, hazmat suit. शेखर के घर में रेडियो एक्टिव की किताबें, रिसर्च पेपर और हैजमेट सूट. इसका मतलब वो नहीं, बेटी, बेटी नहीं, रुक जाओ. अरे ये आवाज किसी, ये क्या हो रहा है? जरूर उस कमरे में रेडियो एक्टिव पदार्थ है बेटी. तुम रेडिएशन के चपेट में आ गया. यस सर, ये लोग फ्रेडी के शरीर से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हटा रहे हैं सर. हाँ सर, कुछ भी रह गया तो फ्रेडी की तबीयत बहुत बिगड़ सकती है. मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा सर. जी सर. सर फ्रेडी से ठीक तो हो जाएंगे ना? ये लोग अपना काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है. सचिन, फ्रेडी की तबीयत कैसी है? सर पहले से बेहतर है. रेडिएशन एक्सपर्ट ने फ्रेडी को एक खास तरीके से नहलाया है, जिससे कि फ्रेडी के शरीर से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स सारे धुल जाएंगे. और ये भी कहा है कि अब उनके पास जाने से कोई खतरा नहीं है सर. मगर सर उस रेडिएशन का कुछ ना कुछ असर तो जरूर हुआ होगा. ये सारों के उसके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्यों नहीं ला रहा है? रिपोर्ट ले. क्या रिपोर्ट? खबर अच्छी नहीं बस. खबर अच्छी नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि फ्रेडी को प्लूटोनियम रेडिएशन का असर हुआ है. माय गॉड. सर ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ पंकज, डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, लेकिन बॉस फ्रेडी के बचने के सिर्फ 50% चांसेस है. क्या? फ्रेडी के बचने के चांसेस 50-50 है? नहीं सर, ओके ऐसा नहीं हो सकता. सर उनके फ्रेडी ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है फ्रेडी ठीक हो जाएगा. कुछ नहीं होगा फ्रेडी को, कुछ नहीं होगा. भगवान करे ऐसा ही है बस. पर हाँ, शिखर के घर से आप लोग जो रिसर्च पेपर्स की किताब लेकर के आए थे, हाँ, उससे पता ये चला है कि कोई छोटी साइज का न्यूक्लियर डिवाइस बनाना था. डिवाइस? शेखर न्यूक्लियर डिवाइस बना रहा है? पर ये बात है तो फिर वो जरूर शहर में तबाही मचाना चाहता है. तबाही मचाना चाहता है, इसे तो रोकना होगा. बस उस किताब से ये फोटोग्राफ भी मिला है. ये कौन है शेखर के साथ? कौन है ये? अरे पीछे एक रेस्टोरेंट भी है. इस रेस्टोरेंट का पता लगाना होगा. रेस्टोरेंट का पता लगाना होगा और शेखर जहां पर भी है वहीं से उसे उठाना होगा.
शेखर तुम यहाँ? ओह तो आ गए तुम अपने असली औकात में। हाँ कहाँ गई तुम्हारी वो मुकुंद वाली नौटंकी? नौटंकी तो तुम कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक अच्छे टीचर बनने का ढोंग कर रहे थे तुम। बताओ ऋषभ कहाँ है? हाँ किडनैप करके कहाँ रखा उसे? बंद कर अपनी ये बकवास और चले जाओ यहाँ से, वरना वरना क्या कर लेगा तुम? हाँ सीधे सीधे बता ऋषभ कहाँ है, वरना तेरी बत्ती से निकाल कर भाग रखूंगा, समझे? शेखर कर नीचे, कर नीचे, कर वहीं रुक जाओ। नहीं नहीं शेखर, सर शेखर के साथ फोटो में जो बुजुर्ग आदमी थे वो यहीं रहते थे, पर सर 2 महीने पहले तो उनकी मौत हो गई थी। यहाँ है कौन? दरवाजा तो खुला हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। और ये कौन है? शेखर, इसी ने किडनैप किया ऋषभ को। जबान संभाल कर बात कर। जबान मैं संभाल? हाँ वो अपने कटू संभाल। एक मासूम बच्चे को किडनैप किया तूने और जबान संभालने की बात कर रहा है? मैंने ऋषभ का अपहरण नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुम? झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक बाप अपने बेटे को किडनैप कैसे कर सकता है? क्या? हाँ मेरा बेटा है ऋषभ, सगा बेटा, जान से भी बढ़कर प्यार करता हूँ मैं उसे, मैं क्यों किडनैप करूंगा उसे? क्यों? मैं एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूं। पिछले 5 सालों से मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, एक ऐसा न्यूक्लियर डिवाइस बना रहा था जिससे कि इस देश को सस्ती बिजली, सस्ता पावर मिल सके। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, यदि वो गलत हाथों में चला जाता तो उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल हो जाता। और तुम नहीं चाहते थे कि वो फॉर्मूला किसी गलत लोगों के हाथ आ जाए? जी हाँ सर, कुछ टेररिस्ट चाहते थे कि मैं उनके साथ काम करूं। कैसा काम? उनके पास रिएक्टर था, उन्हें बस जरूरत थी एक फॉर्मूले की जिससे कि वो बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते, और वो फॉर्मूला मेरे पास था। यदि वो बॉम्ब फट जाता तो 3 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ मौत ही मौत, तबाही तबाही होती, सब कुछ बर्बाद हो जाता। और जब तुमने वो फॉर्मूला देने से मना कर दिया तो उन लोगों ने तुम्हें धमकी दी कि वो तुम्हारे सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, क्यों? हाँ सर। और इसलिए तुमने अपनी मौत का नाटक भी किया 5 साल पहले, है ना? जी, मैंने ऋषभ को अपने पिताजी के पास जाकर छोड़ दिया और उनसे कहा कि वो अपनी पहचान बदल कर रहे हैं। ऋषभ तभी 3 साल का था। लेकिन 2 महीने पहले जब तुम्हारे पिताजी की मौत हुई तब उन्हें पता चल गया कि तुम मरे नहीं बल्कि जिंदा हो। जी, और फिर वो लोगों को ये भी पता चल गया कि तुम्हारा बेटा ऋषभ ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, और समझ गए कि तुम्हें ढूंढ निकालने का एक ही रास्ता है, तुम्हारा बेटा ऋषभ। हाँ मैं ऋषभ को लेकर बहुत परेशान हो गया, मैं उसे अपने आंखों के सामने रखना चाहता था, इसलिए मैं शेखर बनकर उस स्कूल में टीचर बन गया। तुमने जो न्यूक्लियर डिवाइस बनाया था वो कहाँ है? वो डिवाइस मैंने टेररिस्ट को दे दिया। क्या? क्यों? किडनैपर्स को क्यों दिया? मेरे पास अपने बच्चे को बचाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। I'm sorry. उस आदमी का हुलिया याद है तुम्हें? उसने मास्क पहना था। मेरे बेटे को बचा लीजिए भगवान के लिए। My God, पंकज, जल्दी से न्यूज़ लगा, जल्दी। आज 2 घंटे बाद मुंबई में एक ऐसा धमाका होगा कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया। अब पूरी दुनिया के आतंकवादियों से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ
मुंबई पर रखे ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे पास कितना खतरनाक न्यूक्लियर हथियार है। My God. और वो हथियार वो भी हमसे खरीद सके। मुंबई वासियों, अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, सिर्फ 2 घंटे। उसके बाद पूरा बंबई शहर नहीं, सिर्फ एक खंडर होगा, खंडर। अरे न्यूज नहीं देखी? शॉपिंग करने निकल पड़ी। अरे पूरा शहर तबाह होने वाला है। बॉस, और कितनी देर हमें यहाँ रुकना है? बस ऊपर से ऑर्डर आते ही यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। हमारे लिए एक स्पेशल बोट का इंतजाम किया गया, उस बोट से हम शहर से बहुत दूर निकल जाएंगे। अंकल मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए मुझे। अरे बच्चे ने तो परेशान करके रखा है, कभी पानी मांगते कभी कुछ। ज्यादा पानी है क्या? ओके बॉस। प्लीज मुझे जाने दो, मैं नहीं रह सकता अंकल, प्लीज। सुनो, तुम्हें सिर्फ पानी मिल सकता है, आजादी नहीं। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे, अगर 2 घंटों के अंदर बॉम्ब के बारे में कुछ पता नहीं चला तो शहर तमाम हो जाएगा, शमशान हो जाएगा हमारा शहर। हेलो एसीपी प्रद्युम्न। अंकल, मैं ऋषभ। हाँ बेटा देखो, मैं एसीपी प्रद्युम्न बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? अंकल मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हूँ। ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? अंकल मैंने एक बदमाश अंकल के जेब से निकाला। हेलो 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 हेलो, हमें कुछ भी करके पता लगाना ही पड़ेगा उस जगह का जहाँ पर उन्होंने ऋषभ को पकड़ के रखा है, पता लगाना ही पड़ेगा उस जगह का। सर ऋषभ ने जिस नंबर से फोन किया था उसका लोकेशन विजयनगर के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उस तरफ है। पूर्वी, तुम्हारे हीट सेंसर बायनोक्यूलर से देखो बिल्डिंग में कितने लोग हैं। सर सर इस बिल्डिंग में 10 से 12 लोग हैं। और ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ दिख रहा है? सर ऋषभ 3rd फ्लोर है, बॉक्सेस के पीछे। 3rd फ्लोर, जाहिर सी बात है सर, हमारे स्वागत के लिए काफी तैयारी की होगी इन लोगों ने। हाँ अभिजीत, सबके पास गन भी होगी। सबके पास गन्स होगी, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी हमको, क्योंकि ऋषभ की जान को खतरा हो सकता है। कुछ भी करके अंदर घुसना चाहिए, इन किडनैपर्स को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ सर, ये सब तब हो सकता है जब हम में से कोई एक अंदर जाएगा। सर आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जाएंगे कैसे? सर मैं नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा। अरे मेरा फोन कहाँ चलेगा?
मेरा फोन किधर है? कुछ मेरा फोन किधर है? मुझे नहीं पता। मेरा फोन कहाँ है? मुझे नहीं पता। किसको फोन किया तूने? सीआईडी को फोन किया तूने? नहीं। हेलो, हाँ बॉस, बच्चे ने सीआईडी को फोन कर दिया है। चल कोई चल नहीं, चल चल नीचे नीचे नीचे, कोई चल नहीं यार, चल चल। ऋषभ मेरा बेटा, मैं पापा हूं तेरा बेटा, मैं पापा हूं तेरा, बताइए ना सर इसे। हाँ ऋषभ, शेखर ही तुम्हारे पापा है। बेटा मैं तुम्हें कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा, माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर। सर चल बोल, क्या प्लान है तुम लोगों का? मुझे कुछ नहीं पता। बोल, बता क्या प्लान है? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। नहीं मालूम है? मेरे बॉस ने न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट किया है। कहां पर लगाया है बॉम्ब, बता जल्दी। जेपी रोड बस स्टैंड पर। जेपी रोड बस स्टैंड? चारों तरफ फैल जाओ, कुछ भी अजीब लगे बताना।
अभिजीत अजय पीछे के एग्जिट की तरफ भाग रहा है। एग्जिट की तरफ? हट जाइए हटिए अजय। तुम लोगों ने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैंने डिवाइस को फटने के लिए एक्टिवेट कर दिया है, और अब कोई भी एक्सपर्ट बम को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, और तुम लोग भी कुछ नहीं कर पाओगे। अभी पंकज ले जाओ इसे। शेखर, तुम ये बम डिफ्यूज कर सकते हो? बम एक बार एक्टिवेट हो गया तो उसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता सर। 30 मिनट के अंदर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सर, कुछ नहीं बचेगा। कुछ करना होगा सर। एक पागल आदमी को शहर को बर्बाद करने नहीं देंगे हम। लेकिन वो बम कहाँ है? अजर को मैंने यहाँ से बाहर निकलते हुए देखा, यही कहीं रखा होगा बम। हटिए। हम लोग सीआईडी से, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। आप सब लोग भाग जाइए जल्दी। जैसे मुझे पता चला कि आप बॉम्ब को फेंकने यहाँ पे आए हो, तो मैं तुरंत भागा चला आया सर। सर प्लीज ये बॉम्ब मुझे दे दो। वैसे भी मुझ पे रेडियो एक्टिव का असर हो चुका है सर, पता नहीं मैं जिंदा रहूँ या मरूँ सर। सर प्लीज। फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, मुझे जान। नहीं सर, आप नहीं जा सकते सर, प्लीज। ठीक है, काम करते हैं, इस बॉम्ब को नीचे बोर्ड पे रखते हैं। अरे सर, आप कहाँ जा रहे हो? बॉम्ब मुझे दे दो। एक मिनट। तुम्हारे शरीर में रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, कुछ भी हो सकता है, ये बॉम्ब फट सकता है, वहीं रहो। तुम कहाँ रहे हो? रेडी, वो रस्सी खोलो, वो तो खोलो, हाँ, और अंदर फेंक देना रस्सी। सर, आपने
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.